अपने ही बुने जाल में फंसते शी जिनपिंग। ब्रह्मचलानी ने चीन को सुनाई खरी खरी। चीन और भारत के बीच हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। हाल ही में चीन ने भारतीय सैनिकों पर सीमा पार करने और गोलीबारी करने का आरोप लगाया था। दावा किया जा रहा है कि ताजा झड़प लद्दाख के पेंगोंगसो झील के दक्षिणी छोर पर स्थित एक पहाड़ी पर हुई थी। भारत और चीन के बीच 5 मई से लद्दाख में टकराव जारी है। दरअसल कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैलाने के बाद चीन ने पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ करके दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश तो की, लेकिन अब वो अपने ही फेंके हुए जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी को कहना पड़ा कि विस्तारवाद चीन की जीन में नहीं है, जबकि भारत के जाने माने रणनीतिकार ब्रह्मचलानी का कहना है कि चीन आज से नहीं बल्कि उसका इतिहास ही विस्तारवाद का रहा है और माओ के बाद शी जिनपिंग ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। चीन के विस्तारवाद को आप इसी से समझ सकते हैं कि वो अपने 14 पड़ोसियों की जमीन पर तो दावा करता ही है, साथ ही वो 8,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के हवाई द्वीप को भी अपना मानता है। चीनियों के मुताबिक चीनी नाविकों ने कोलंबस से बहुत पहले ही अमेरिका की खोज कर ली थी। अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य के चट्टानों पर बने चित्र इसके प्रमाण है। इतना ही नहीं, चीन ये भी कहता है कि यूरोप की खोज से शताब्दियों पहले उसके नाविक ऑस्ट्रेलिया में बस गए थे। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के लिए युद्ध को जरूरी मानता है, इसलिए भारत समेत दुनिया के 23 देश उसकी चाल से परेशान है। ब्रह्मचलानी की माने तो कोरोना महामारी का फायदा उठाकर चीन ने अपनी सीमाओं के विस्तार का एजेंडा चलाया था, लेकिन भारत समेत कई देशों ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो दक्षिण चीन सागर में भी इसी तरह का एजेंडा चलाता रहा है। दरअसल ब्रह्मचलानी विदेश मामलों के जानकार हैं और अक्सर अपने लेखों से चीन की चालाकियों की पोल खोलते रहते हैं। चीनी मीडिया को उनकी खरी खरी बातें बहुत कड़वी लगती हैं। चेलानी ने खुद बताया कि उनके आर्टिकल के बाद चीन सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स तुरंत जवाब देता है। चीनी मीडिया की बौखलाहट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2018 के बाद से उन पर 10 आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। दरअसल चीन के साथ भारत का विवाद जब से शुरू हुआ है, तब से इस इलाके में भारत बढ़त बनाए हुए है, जबकि चीन को अंदाजा नहीं था कि भारत इतनी ताकत से जवाब देगा। 15 जून को गलवान के बाद 29-30 अगस्त को जो पेंगोंग में हुआ, चीन को उसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इसके बाद भी भारत ने पेंगोंग लेक इलाके में कम से कम 20 पहाड़ियों पर डोमिनेंट पोजीशन ले ली है। भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स चीन के नाक के नीचे ऑपरेशन चला रही है। दरअसल ये सब करके भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया है कि भारत और चीन के बीच में तिब्बत में चीन जितना मजबूत खुद को समझता है उतना है नहीं। वैसे तो तिब्बत के लोग चीन को अत्याचारी से ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं। चीन चाहता है कि जिस तरह उसने दक्षिण चीन सागर में अपना दबदबा बना लिया है, उस तरह से वो हिमालय इलाके में भी कामयाब होगा, लेकिन भारत ने उसे बता दिया है कि ये संभव नहीं है। राफेल जैसे विमान भारत आने के बाद चीन और परेशान है। ब्रह्मचलानी की माने तो हिमालय के ठंडे इलाकों में चीन के सैनिक भारतीय जवानों के आगे कहीं नहीं टिकते हैं। अब चीन अपने सैनिकों के लिए ठंड में सर्वाइव करने का इंतजाम कर रहा है। दरअसल भारत ने ठंड के मौसम में इस इलाके में टिके रहने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए भारत ने आजादी के बाद का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक ऑपरेशन चलाया था, जिसमें सैनिकों के लिए ठंड से बचने के लिए आधुनिक टेंट, गोला बारूद और हथियार शामिल हैं। भारतीय सेना को बेहद ठंडे माहौल में तैनात रहने की आदत है। सियाचिन में भारतीय सैनिक -50 डिग्री के तापमान में भी सीना ताने खड़े रहते हैं, जबकि लद्दाख में तो सिर्फ -25 डिग्री तक ही तापमान होता है। लेकिन चीनी सैनिकों के लिए ये मौसम एक चुनौती की तरह है। हाल ही में खबर आई थी कि पहाड़ियों पर तैनात चीनी सैनिक ठंड में बीमार पड़ रहे हैं। तो चीन के सामने सबसे बड़ी समस्या मौसम की है। पहले वो मौसम से दो चार करे और जब उससे बच जाए तो फिर भारतीय जवानों से भिड़े।